सहायता कौन कर सकता है। तो अपन से जो कहा था वह पूजा सामग्री हवन पूजन सब अधूरा रह जाएगा, कौन सेवा करेगा अपनी। ठीक है अपन को सरस्वती माँ सरस्वती के पास चलना बुला जा माँ को बार 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 ही बार पाए लय पर विपति हमार बिलो की वर बात करें पैया राम जाए वन राज तभी हो सकल तोर का। हमारे बताओ देताओ क्यों याद किया मुझे। हमारे ऊपर आज विपत्ति का पहाड़ आ पड़ा है। मात मात करो सोई आज हे माँ उस कार्य में आप सहायता करिए कि राम आज राजा बनने जा रहे हैं तो हम देवताओं की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा। क्या कह रहे हो सुनी सुनी विनय जा देता हो तुम्हारा काम हो जाए। सोरी सोरी विनय थारे पछताती वयउ सरोरी विपन्न राज। सब सोचते हैं कि राम राजा बन जाए और ये देवताओं क्या सोचते हैं कि राम राजा ना बने। चलो कह दिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलो चलती हूँ महारानी के कई की प्रियदासी मंत्र के पास उसी की बुद्धि भ्रष्ट करूंगी। मंत्र अभी सो रही है, सोते ही हो तो बुद्धि विष्ट कर दूंगी। नाम मंथुरा मंदिवती तेरी के तई तेरे अजस पटारी ताहे कर गई गिरा मत फे। हाँ देख रहे देश मथुरा नगरी बजावा मंजुल मंगल बाजे बधावा। ये मैं हैं हसन है पूछ बेटा का हो रहा है का है मौसी का हो रहा बेटा तुम्हें पता नहीं क्या हो रहा है। बैठ जाओ बता का हो रहा मौसी तुम्हें क्या पता नहीं क्या हो रहा है का हो रहा बेटा। आप ये बच्चे का पंडित है का आर का ले पंडित पंडित है तो मैं हैं हां
तो बैठे तुझे पता है का हो रहा हूं। पत्र दियो चलो पत्रा कॉपी फेंक दे। अब हम पत्रा में देख रहे का हो रहा हूं मौसी। लेकिन पत्रा पे पहले दक्षिणा लगे वो भगवान दक्षिणा का पत्रा पे दक्षिणा को चल रहा होगा। हमें चक्किया में चून डरो से दिया नहीं दे तो को जिनसे काम नहीं चल रहा। अरे लला ले ले बेटा पंडिता एक काम करो। हाँ बे इनसे हमारा काम नहीं चल रहा तो बेटा अब दो बोरा खरीदवा दे तो कौन कौन ये जो ए पंडित पंडित मौसी 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 अब हम जो पूछ रहे कहाँ हो रहा हो भाई तो पाने बता रहे हैं जान हो रहा तो जब बोल जब कहाँ है मैं लग रहा हूँ कब डम फार धारे कहाँ धारे बेटा बता रहे बता दो बता रहे कहाँ हो रहा बता रहे मौसी बता रहे महाराज महाराज दशरथ राम को राजा बना रहा है। राम को राजा को राजा आओ राम तिलके सुनि भौर दान राम राजा बन रहा है। राम राजा अरे मैं का बताऊं अरे आ कहो पूरा पोथम जानी अरे आ कहो बेटा हो का राम जो समझ में नहीं आ रहे मौसी तुम्हें कम सुनाई दे। राम राजा बन रहा है। राम राजा वो बन रहा बेटा राम को बन रहा है। ए काम देख देख काम आम कहां से आए हो ना आम हम ले आ रहे दशहरी खा ले अभी तुम आम आम कहां से आ गए आम नहीं जनगण के सजी
जिससे अब नए नए कपड़ा पहने बैठी, जिदे को माता बहने नए नए जूरे पहने बैठी। राम राजा बन रहा है, राम राजा। वो बजरंग वो मताई आओ खाली तस्मई धरी तुम्हारा लाना ब्याह ले काहो राज नगरिया में अब राम राजा तो बन रहा है, कोनी रोक पा रहा हो। अगर तुम्हारे पास कछु चालबाजी है तो भला हो सकत? अरे हो ही सकत, हो सकत काहे नहीं है। अगर चलो मेलन में जा रहा रानी से, अदिया देख लो, तो कछु देख लो तुम तो कैसे हो जे करही विचार कुमुट कुजा की होए अकाज कवनी ये राम राजा बन रही है। भरत मात पई गई बिलखानी, दासी चंदा जी महारानी आज पता नहीं मेरी दासी रोज समय से मेरे पास आ जाती थी, आज बहुत देर हो गई है, कुछ तो कारण है उसके ना समय से आने का। क्यों कि वह ऐसी दासी है कि सारी खबर लाती है, दस जगह बैठती है, वो तो स्वभाव है उसका, दस जगह बैठती है, दस महिलाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे घर बैठे सारे समाचार सुनाती है आकर। दासी महारानी के जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरे लगता है।
हर पल बस तेरा इंतजार रे से जाकर देखो। जी महारानी जाओ जाओ दास। वो तो गया जी बेटी वो तो हो कखिया कखिया वो तो गया जो लग रही कि नागिन सी सरना रही हुई कखिया जाको आज हो ककिया कौन है बेटा खटिया कौन है बस कौन है बस मैं समझ गई हमसे बताओ हैं अरे जे बैरी तो है ही जे समझेगी नहीं ककिया महारानी का आदेश है महलों में चलिए चलिए भारत और प्रथम द्वार पर रो रही है। चलो ठीक है, मैं बाहर जाकर सीएम से देखती हूँ। जाओ तुम अंदर आराम करो। जी महाराज। अच्छा तो यहाँ बैठी है दासी दासी मंत्रा। अरे सुन तो दासी। अरे यार तो बहुत करंट निकाल रही है। उतर दे ना जाने क्या कारण है ना कुछ बोलती है ना कुछ सुन रही है आंसू बहा रही है। दासी तुझे पता है आज मेरे घर खुशियां आने वाली हैं और सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। ये तो देख रही होगी। और तूने अपनी वेशभूषा ऐसे बना रखी है मन तो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है।
हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे, रो रही क्यों तू सगुन साया। बता जल्दी दासी क्या तुझे उदासी है। दासी मंथरा, तुझे मेरी सौगंध है, सच सच बता क्या कारण है तेरी उदासी का। का कही सुना रही है महाराज, तुम को पता नहीं राम छाड़ कुशल कह आज दे दिनेश देते बराजू। तो इसमें क्या बुराई है, ये तो हमारे कुल की रीत है, जो हमारे परिवार में बड़ा होता है उसको राजगद्दी पर बिठाया जाता है। हमारा बा भय कौशल्या पितियत दान देखत करत रहे तो नायन, देखता नहीं लेती तुम तो मेले में हो तो मन का करने, तुम तो नेको चिंता नहीं है, पूत विदेश ना सोच तुम्हारे जाना तो बस ना ही हमारे, तुम्हें काप तो है देखो तो सही घर घर में तुम और रात तलाके राम का तुम्हें नहीं मालूम है महारानी। जिसको कल होगा राज तिलक मत बाप उसी का है, राजा जी जिसे चाहते राजा दशरथ
सुन रही हो मोरी सुनो महारानी हमारी बात को सुनो गौर से मैं क्या कह रही हूँ तुमसे अरे मोरी सुनो महारानी हमें अभी की जो ऐसे बचन कहे
दासी है मेरी। दासी महारानी, तुझे पता है कल हमारे घर बहुत बड़ा त्योहार है और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस उपहार के बदले हार देना चाहती हूँ। दासी हार पहनेगी? क्यों, अच्छा नहीं लगता तुझे सजना संवरना? अभी कह रही थी खड़ी हो कि राजा नहीं है बस में, तो महाराज के पास क्या तू रहेगी? मतलब तुझे इस बुढ़ापे में महाराज अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी बात है महारानी, मेरे पति मेरे स्वामी मेरे बस में हैं कि नहीं हैं? तुझे उल्टी सीधी क्यों सोचती रहती है? महारानी हार कर, हाँ दासगर को हार शोभा दिए, हार कर दासगर शोभा दिए, ये हार तुम्हीं को शोभा दे, ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासगर नाले चिन्ह माले और है जीत राम की है। बातों से
जानती है मैं अपने भरत से ज्यादा राम को चाहती हूँ। राम को, राम को, हाँ भगवान बताओ। तो पशु पक्षी जानत हेत अनहेत सब को जानत, जिन्हें अपन ललानी देखा। हमने तो छोटे से पालो पे हमें पतो है, पाला कुछ नहीं है दासी, तू बूढ़ी हो गई है इसलिए तेरी मति सटिया गई है। तो सुन मेरी बात को कि दासी तेरे मन में कहां से ये आया बुरा विचार, राम चंद्र बिने लागे
दासी, एक बात मुझे थोड़ा समझ में आ रही है थोड़ा, कि महाराज कौन सी मनमानी करना चाहते हैं? अरे महारानी सुनो, हाँ गोड़े चुकरी जाना बोरो, अब हमें तुम बेटे अगर गोर अगर चुकच्चा में फूल का पता नहीं पड़ का हमें हैं, गोर चुकच्चा में फूलों का बच्चा मतलब पता नहीं पड़ हैं, गोड़ चुकरी जाना बोरो हमसे कहे बोरो बताओ रानी राजा बना दिया महाराज ने, तो इसमें हानि क्या है? हानि हाँ तो तुम्हारा कर्म हो जी, कर्म हो जी, तुम कहाँ जा रहे, तुम सातों कर्म हो जी, ये टूटे अब कहाँ जा रहे तुम, तुम भवक में भूली हैं, भवक में भूली क्या हमारे हमारे राजा भाई भाई सिंधुओं ने राजा, तो क्या मैं दासी बन जाऊंगी? वो सोते ना, वो सोते जाना सोते, मैं नहीं जानता जाना, चूनम की पूरी हो एक जन है, तुम्हें चून की पुतरिया बना पुतरिया, सोत मतलब सोत के बारे में बताना चाहती है पुतरिया, वो सोत हाँ, तो बम बना ले बनने, गोरे बना दे, हाथ बना दे, आंखें बना दे, कान बना दे, ऊपर में बमूरा की चीका लगा दे, चीका फंसा दे, और फिर बिन में बम आग में दिया दे, अबे भूख में को रुपी से भी कर्म जैसे तमाम कर्म हो जाए ठीक है, तो पूछो तो हम जो कर्म छोड़ दे तुम्हारे अबे कब का सारे, तो दासी सुन, मैं सारी जीवन चाहे भलाई मायके में बनी रहूं लेकिन मैं सौत बनना स्वीकार नहीं करूंगी, अब हम बता दें बता का बता तुमसे का कहे महारानी प्यारी दासी, मैं तो वैसे ही तुझे डांट रही थी, तू जानती है ना कि मुझे ज्यादा चाहती इसलिए मैंने डांट दिया, अब कोई ऐसा उपाय बता कि मेरा बेटा भरत राजा बने। सुनो हाँ एक बात बता महारानी, हाँ भरत राजा बन गए, हाँ क्या बता तुम ये भरत लला बन जाए तो उपाय बताओ, अरे दासी तू बूढ़ी है वैसे तो सारी बात बताती, ये भी उपाय बता दे मुझे कि भरत राजा कैसे बने, ऐसे बने पहले समझ लो, पहले बात को विचार कर लो, हाँ समझ लो बात को समझ लो, अब हम तुमसे क्या बताएं कि मेरो समझाने को जोर, मेरो समझाने को दासी एक मिनट,
क्या मांगना है तुमको? दो वरदान दिया मैं कई थी बिन्ने के, दो वरदान तुम्हारे पुराने हैं। हाँ वरदान है, दो वरदान तो पुराने हैं, तो उन्हीं को मांगना है, सत्तराई से मांगना है। अच्छा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, हाँ भरत को राज। दासी ऐसा नहीं हो सकता कि भरत के लिए राज मांग लू और राम को बन नहीं मांगा जाए तो नहीं गड़बड़ हो जाए समय। क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखो महारानी हम तुमसे एक बार कह चुके हाँ कि परेशानी आ जाए तुमको, इसलिए हम तुमसे जो कह रहे कि भरत को राज राम बनवास मांगना खूब चतुराई से मांग सफलता पा जाए और उसी समय मांगना महारानी। हाँ दासी अरे के पहुंचो कोप भवन में रूप बना करके बदल करके और हमने तुमको पता किया बात पता करके भरत को राज मांगो राम बनवास कई को भवन में पहुंचना है तो ऐसे ही चली जाओ ना, 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 तो ये सब उतारने का सामान मतलब कपड़े ना, ना, तो ये कपड़ा उतार दीजिए दूसरा कपड़ा पहन लीजिए भेष बदल लीजिए। कैसे कपड़े? ए उस समय ऐसे नन्ना कपड़े पे ऐसे रूप बदल लो बिल्कुल काली बिल्कुल राजा आवे तुम्हें मनावे तुम बिल्कुल नहीं दासी एक बात बता अगर महाराज ने कहा कि महारानी तुम तो जानती नहीं थी ये सारी बात किसने बताई तो मैं तुम्हारा नाम ले दूंगी तो मुझे तो डर लगता है अकेला को भवन में अंधेरा रहता है तू मेरे साथ नहीं चलेगी तुम चलिए तो चलिए
दासी हाँ महारानी मैं एक बात भूल गई हूँ। पहले कौन सा वरदान मांगना है? पहले पहले राम भरत को राज, पहले भरत के लिए और पहले राम वनवास मांग लूं तो नहीं गड़बड़ हो जाए महारानी? बात मान जाओ हमारे, ऐसा नहीं पहले भरत के लिए, पहले भरत के लिए राज और कसम खवाली को राजा से। अच्छा गड़बड़ बदल दे तो हम जालक काटती है। किसकी कसम खिलाऊं? राम की कसम खवाना तो राम की, भरत की खिला दूं तो? हम तुम्हें बता रहे तुम ऐसा ना करो, बहुत करो चाहे कहीं तो ठीक है दासी। हाँ सुनो करो और